आज हम बात करेंगे भारतीय मीडिया के एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल जी न्यूज के बारे में, खास करके जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी नफरत फैलाने को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। वे अपने शो डीएनए में कभी शाहीन बाग को लेकर तो कभी जेएनयू को लेकर नफरत फैलाते रहते हैं, क्योंकि ये इलाका अब ऐसा बन चुका है जहां भारत की कानून व्यवस्था लागू नहीं होती, जहां भारत की पुलिस की व्यवस्था लागू नहीं होती। ये अब एक अलग ही देश बन चुका है छोटा सा, और बाकी जो लोग हैं जिन्हें यहां से गुजर कर जाना है उन्हें अब दूसरे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। जी न्यूज द्वारा जेएनयू विवाद के कवरेज के तरीके के खिलाफ चैनल के एक प्रोड्यूसर विशप दीपक ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने इस्तीफा पत्र में प्रोड्यूसर विशप दीपक ने लिखा था कि जेएनयू एएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से फ्रेम किया गया है और मीडिया ट्रायल करके देशद्रोही साबित किया गया है वह बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। आगे उन्होंने लिखा कि जिस तरह जेएनयू मुद्दे को जी न्यूज ने कवर किया उस पर उन्हें आपत्ति थी। आज हमारे पास टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए बहुत बुरी खबर है। आज दिल्ली पुलिस ने 2016 में दिल्ली के जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों के मामले में चार्जशीट दायर की है। करीब 1200 पन्नों की इस चार्जशीट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर आपका खून आज खौल उठेगा, और आप भी कहेंगे कि इन देशद्रोहियों को भारत के साथ विश्वासघात करने की इतनी आजादी आखिर मिल कैसे गई। जब भी मामला हिंदू मुस्लिम का होता है तब भी सुधीर कोई मौका नहीं छोड़ते। हाल ही में जी न्यूज ने तबलीगी जमात पर गलत फेक न्यूज प्रकाशित किए थे जिसके बाद इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है, पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। देश के उन दुश्मनों की बात करते हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखते हैं। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डी कोड किया है। और फिर हम बता दें ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। एक तरफ तो ये नफरत फैलाते हैं और दूसरी तरफ सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में जब दिल्ली इलेक्शन हुए तब बीजेपी के हार को देखते हुए सुधीर चौधरी ने अपने शो में दिल्ली की जनता को ही गलत बता दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। अगर बात नोटबंदी के बाद की करें तो सरकार ने 2000 का एक नोट निकाला था जिसमें तब सुधीर ने इसमें एक चिप होने की बात की थी। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। अगस्त 2007 में एक निजी टीवी चैनल पर महिला स्कूल टीचर उमा खराना का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन दिखाकर वे विवादों में घिर गए थे। ये खबर उस समय एक न्यूज चैनल पर प्रसारित भी की गई थी। सुधीर तब इस चैनल के CEO थे। खबर के बाद तुर्कमान गेट स्थित सरकारी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ था। भीड़ ने उमा खुराना को जान से मारने का प्रयास भी किया।
जांच के बाद स्टिंग फर्जी पाया गया। स्टिंग फर्जी पाए जाने पर वीरेंद्र और प्रकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सुधीर के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी फजीहत हुई। बाद में खबर प्रसारित करने वाले न्यूज चैनल पर 1 महीने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। जांच में पाया गया कि टीआरपी बढ़ाने के लिए फर्जी तरीके से सारा ड्रामा रचा गया। साल 2013 में पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले के संबंध में जी न्यूज के सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया पर 100 करोड़ मांगने के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। पुलिस ने सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया को गिरफ्तार भी किया था इस मामले में। अच्छा, नवीन जी का इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू लेके छापा नहीं जी ने, उसको दिखाया नहीं कहीं। सारे बॉस की मुलाकात कैसे हो सुभाष चंद्र जी से? सुभाष चंद्र, उनको ये लगता है कि यार उनको वापस आ जाना, तो नहीं नहीं उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया ये, पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो गए अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो सुधीर जी 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर, 20 से 100 सर 5 टाइम्स सुधीर जी को सरकार से हर मुद्दे पर सवाल करने चाहिए, पर जब भी सुधीर को मोदी जी का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है तब वे प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांध देते हैं और जनता की मुश्किलों पर सवाल करना भूल जाते हैं। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, छुट्टी आप कभी नहीं लेते, और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो ट्रैवल रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं हैं, हवाई जहाज में आप अपनी रात बिताते हैं, तो ये एज में अभी इतनी एनर्जी आप कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि आपकी उम्र में बाकी लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते और आज आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई देश के जो युवा हैं उनको भी शायद शर्म आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।